क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी का कत्ल हो चुका है, किस सरकार को झुकना पड़ेगा? किसान यहाँ पे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा कठिन हो गया ना काम, जो सारे पहला तो इन्होंने मुसलमान अलग करते, हिंदू अलग करते, सिख अलग करते, हुण एक मुट्ठी हो गया। कि रोड ब्लॉक्स और करेंगे हम, जो यहाँ पे सब आए हैं, सब अच्छे अच्छे घरों से आए हैं, सब अपना आराम छोड़ के यहाँ रोडों पे बैठे हुए हैं, तो हमें इस चीज की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो दिक्कत आ रही है वो सरकार को ही आएगी, क्योंकि अभी हम सरकार को भी दिक्कत नहीं दे रहे हैं, पर हाँ आगे आगे हमें दिक्कत देनी पड़ेगी कि उन्हें पता चले कि हम कितनी दिक्कत में हैं। बांध के एकजुट करके सारे देश को उसके खिलाफ लड़ेंगे हम। अब जब वो सबको दवाइयाँ दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, गरीबों को कंबल बांट रहे हैं, सबको शेल्टर दे रहे हैं, गर्म पानी लोगों के घर में पहुंचाया जा रहा है, सबकी इज्जत हो रही है, तब वो खालिस्तानी कैसे बन जा रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली हर एक को अच्छा लगेगा जब हम इतने एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि मानवता का जहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है वहाँ आके हम अपना भागीदारी दे रहे हैं। ऑब्वियसली अच्छा लगेगा हमें प्राउड फील होता है कि हाँ हम किसान हैं और हमें आके अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं टूवर्ड्स दी प्रोटेस्ट। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको ये पूरे जो आंदोलन चल रहा है इससे आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या लगता है सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी? जो पहली चीज मैं ये बता सकती हूँ कि इंडिया में डेमोक्रेसी का कत्ल हो चुका है, जो सबसे पहली बात ये है। दूसरी ये बात है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग आए हैं ये छोटी तैयारी के साथ तो आए नहीं। जो हमारा राशन है ये सिर्फ अभी जो दिल्ली की संगत है वो दे रही है, जो पंजाब से राशन आया वो अभी भी पड़ा हुआ है। तो तुम हम ये मत सोचो कि हम उठ जाएंगे या ये 3 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत साल तक चलेगा, 2 साल या 3 साल भी हम चला सकते हैं। तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। जी, तो ये थी हमारे साथ, अब हम जानते हैं इन छोटे छोटे बच्चों से जो कि यहाँ पे मटर छील रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, मुझे बताओ। फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप। आपको क्या लगता है आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपको क्या लगता है मुझे बताओगे कुछ? हम आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, और क्योंकि आपको पता है ना आजकल तो स्कूल जो है वो बंद है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन पढ़ाई जो है वो अभी स्टार्ट है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन आपकी क्लासेस जो है वो खुली हुई है, तो क्या आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो? हाँ। कैसे करते हो आप बताओ मुझे? फोन से करते हो? हाँ। कब तक करते हो? 9 बजे से शुरू होती है। 9 बजे से शुरू होती है? अच्छा, आप मुझे बताओ आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आके सबको देख के हमें बहुत ज्यादा जोश बढ़ जाता है हमारे में। अच्छा, आपके अंदर जोश बढ़ जाता है, तो आप सबकी हेल्प करते हो? हाँ। अच्छा, और आप मुझे बताओ आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो और पढ़ाई कैसे करते हो? मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो आप यहाँ पे लेते हो ऑनलाइन क्लासेस? यहाँ पे तो इंटरनेट का बहुत इशू है। हाँ। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, वैसे हम लोग घर पे जाते हैं। अच्छा, घर पे जाते हो बीच बीच में, कहाँ जाते हो घर पे? हमारे पास में ही है। पास में ही घर है? ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या पढ़ाई होती है? किसान के बारे में पता है आपको? किसान क्या करने आए हैं यहाँ पे? किसान यहाँ पे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है उनके डेमोक्रेटिक राइट्स, आप मुझे बताओगे? उनके डेमोक्रेटिक राइट्स है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो अपने अपनी डेमोक्रेसी के हिसाब से वो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आए हैं। अच्छा, वो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आए हैं। तो आपको क्या लगता है जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो उनके इन फंडामेंटल राइट्स को समझेगी? समझना तो चाहिए, पर आगे गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जीतेगी कि किसान जीतेगा? किसान जीतेंगे। पक्का किसान जीतेगा? हाँ। आप अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज कर पाते हो यहाँ पे मुझे बताओ, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वहाँ पे तो जो जैमर है वो लगा हुआ है, इंटरनेट बहुत स्लो चलता है। वाईफाई से चलाते हो आप? अच्छा, तो ये है हमारे साथ कुछ बच्चे जो इस कठिन परिस्थिति में भी अपनी पढ़ाई करते और यहाँ पर आके यहाँ के लोगों के साथ हेल्प करते हैं। तो ये थे हमारे साथ खालसा इंटरनेशनल हेल्प के लोग। मैम, आप मुझे ये बताना चाहिए, आपको आप उम्र दराज लेडी हैं, आपको यहाँ पे आके कुछ प्रॉब्लम नहीं होती? किस तरीके का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है आपको? नहीं बेटा, कोई परेशानी होती? परेशानी तो बस जो बच्चे आए या बेटे आए ने, मेरे भरा आए ने, बुजुर्ग आए, परेशानी तो उन्ना दी है, जेड़े सारा दिन सड़क ते बैठे रहिंदे आ, रात को भी नीचे सोते आ, गर्म कोई जो गर्म में सुख मिलता है, इधर थोड़ा सुख मिल रहे हैं।
बहुत इतने परेशानियां जड़े आए उन्होंने तो बहुत परेशानियां पर करिए कि सब कुछ हो रहा मोदी जी। तो आप मुझे ये बताइए आप कहाँ से आए हैं, पहले तो मुझे ये बताइए आप आई कहाँ से हैं। है तो असं गुरदासपुरों आए हैं पर इतने अं बेटे को रह रहे हैं अगर इतने इंदिरापुर में। अच्छा इंदिरापुरम में रह रही हैं, और आप किस तरीके की यहाँ पे हेल्प करवाती हैं आप कुछ बताना चाहेंगी। हेल्प है सेवा ही है, जो जो मन की भी सेवा कर रहे हैं, तन की भी कर रहे हैं, पैसे की भी कर रहे हैं, जो भी किसी जरूरत है सारी सेवा कर रहे हैं जी। तो मैडम आपको क्या लगता है आज तक बीजेपी जो है उसका एक इतिहास रहा है कि उसने कोई भी जितने भी उसने लागू की हैं नियम या कह दे या फिर जितने भी उसने बिल लागू किए हैं उसको उसने कभी भी वापस नहीं लिया है। तो आप भी क्योंकि उम्र दराज हो गई हैं और आपने भी बहुत कुछ देखा है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि बीजेपी ये सब वापस लेगी, अपना बिल वापस लेगी। ये तो हमने बहुत ज्यादा कठिन हो गया ना काम, जो सारे पहले तो इन्होंने मुसलमान अलग कर दिते, हिंदू अलग कर दिते, सिख अलग कर दिते, हुण एक मुट्ठी हो गया। जो पहले के प्रोटेस्ट है और इस प्रोटेस्ट में फर्क है, पहले के प्रोटेस्ट क्या होते हैं वो चीजों को तोड़ते थे लूटते थे, ये आपने प्रोटेस्ट देखा होगा जैसे सीएए का प्रोटेस्ट था उसमें कुछ लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने उस प्रोटेस्ट को खराब कर दिया राइट। और ये प्रोटेस्ट क्या है हम सबको खिला रहे हैं, जिन गरीब बच्चों को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी वो तीन टाइम यहाँ पे पेट भर के खा रहे हैं, ये डिफरेंस है दोनों प्रोटेस्ट में। हमारे हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, हमें जो जो यहाँ पे सब आए हैं सब अच्छे अच्छे घरों से आए हैं, सब अपना आराम छोड़ के यहाँ रोडों पे बैठे हुए हैं, तो हमें हमें इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो दिक्कत आ रही है वो सरकार को ही आएगी, क्योंकि अभी हम सरकार को भी दिक्कत नहीं दे रहे हैं, पर हाँ आगे आगे हमें दिक्कत देनी पड़ेगी कि उन्हें पता चले कि हम कितनी दिक्कत में हैं। अच्छा तो आप किस तरीके का दिक्कत देना चाहेंगी सर? नहीं हम ये नहीं चाहते कि हम किस चीज़ को तोड़ें, ये चीज़ हमारे उसमें नहीं है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो हमारे ह्यूमैनिटी जो है वो सबके लिए एक होती है। यही है कि रोड ब्लॉक्स और करेंगे हम, हमारे हम तोड़ने के बस में नहीं है, क्योंकि कभी भी सिख पंथ या कोई भी ह्यूमैनिटी किसी चीज़ को तोड़ने का आदेश नहीं देती है, बांध के एकजुट करके सारे देश को उसके खिलाफ लड़ेंगे हम। अच्छा हाल ही में जो मतलब जैसा कि पूरा जो मीडिया मेनस्ट्रीम मीडिया वो ये कह रही है कि यहाँ पे कुछ चरमपंथी और कुछ खालिस्तानी भी जो हैं जो कि किसानों का जो है वो माइंड जो है वो वॉश कर रहे हैं और किसानों को भड़का रहे हैं, उनको कुछ अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए यहाँ पे जो किसान यूनियन के जो बड़े हैं वो जो आदेश देते हैं वही सारे लोग मानते हैं। कोई भी यहाँ पे लड़का किसी लड़की को छेड़ता हुआ दिखाओ, कोई बदतमीजी करता हुआ दिखाओ, आप बता दो किसी ने भी रिकॉर्ड करा हो। दूसरी बात, जब लॉकडाउन हुआ था वही खालिस्तानी वही पंजाबी, जब हम खालिस्तानी कह सकते हैं, जब वही सिख लोगों को खाने खिला रहे तब वो खालिस्तानी क्यों नहीं थे? क्योंकि तभी भी तो लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था ना, वो बाहर निकल रहे थे, चार पाँच बंदे इकट्ठे हो रहे थे, तभी तो खालिस्तानी हो सकते थे ना वो, क्योंकि वो उल्लंघन कर रहे थे सरकार के फैसलों का। अब जब वो सबको दवाइयाँ दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, गरीबों को कंबल बांट रहे हैं, सबको शेल्टर दे रहे हैं, गर्म पानी लोगों के घर में पहुँचाया जा रहा है, सबकी इज्जत हो रही है, तब वो खालिस्तानी कैसे बन जा रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है दोनों में। अच्छा और मुझे आप ये एक बात बताइए, आपको पता है कि लॉकडाउन जो है वो कोरोना की वजह से आया है, और अब कोरोना का दूसरा जो स्ट्रेन है कोरोना 2.0 आ गया है, और यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो बिना मास्क के दिख रहे हैं, तो क्या आप लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता? देखो डर सबको लगता है, हर एक को लगता है कि हम बीमार होंगे, हमें वो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डर को हर एक को लगता है, पर क्या करें, उनकी मजबूरी है, उनकी जमीनें जा रही हैं, उनके हक छीने जा रहे हैं, उनको अगर वो यहाँ से प्रोटेस्ट करके अपनी जानों की खेल के प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो वो बाद में कैसे खाना खाएंगे, बाद में कैसे सर्वाइव करेंगे? बात सर्वाइवल पे आ गई है, जब बात सर्वाइवल लेवल पे आ जाती है तो लोग बाहर आ जाते हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरणप्रीत कौर है। आप क्या करती हैं? एक्चुअली मैंने बीकॉम कंप्लीट करी है एंड मैं एचआर की जॉब करती हूँ। अच्छा तो ये बीकॉम कंप्लीट करके एचआर की जॉब करती है और यहाँ पे लोगों के साथ सेवा भी करती हैं। तो ये थे हमारे साथ खालसा इंटरनेशनल हेल्प के लोग, और भी ऐसी खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल दी कंटा आपको फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।